हेलो बच्चों, तो सुपर स्ट्रेटजी रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 2। बच्चों यहाँ पर एपिसोड 1 में मैंने आपको 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और होपफुली आपने सब कंप्लीट कर लिए होंगे और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है। और मार्क्स तो ऑब्वियसली बातें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए, नए टॉपिक्स फिर से 10 तैयार हैं आपके लिए, जो आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करने हैं। मैं टॉपिक के बारे में बता देता हूँ क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है उसमें से। बच्चों सबसे पहले तो अपना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले तो जितनी भी स्टैंडर्ड बॉडीज हैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होने चाहिए। जैसे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सेंटर से पास होने वाली एक्सेस के बाद और एंड से पास होने वाली एक्सेस के बाद, ठीक है। इसके बाद रिंग, डिस्क, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है, और इनके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी इसके साथ कवर करनी होगी, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। एक तो आपको ये करना है, प्लस जितनी भी स्टैंडर्ड बॉडी है, चाहे वहां पर हम रिंग की बात करें, डिस्क की बात करें, जितनी भी स्टैंडर्ड बॉडी है उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा नहीं करना है, पूरा रोटेशन लेके मत बैठ जाना, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करना है, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठाइए और उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, दूसरा टॉपिक है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप जानते हैं फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है बच्चों। तो इस छोटे से फॉर्मूले पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स नीट और एम्स में आए हुए हैं, तो ये सब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके सारे क्वेश्चन फटाफट आप कंप्लीट कर डालें। थर्ड है अपना बच्चों कैप्लर्स लॉ। आप जानते हैं कैप्लर के 3 बेसिक लॉज हैं, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के बारे में, कि कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, और जब वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है तो आपको पता है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि टॉर्क हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो कैप्लर्स लॉ को कंप्लीट करना है, चाहे टाइम पीरियड के बारे में क्वेश्चन आ जाए, चाहे एनर्जी के बारे में आ जाए, तो बच्चों आप इसको जरूर कंप्लीट करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपने पास है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं ना, कि अगर हम √2gr की स्पीड देते हैं तो पार्टिकल 90 डिग्री तक जाता है, अगर हम √5gr की स्पीड देते हैं तो वो अपना सर्कल कंप्लीट कर पाता है या उससे ज्यादा स्पीड पे कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बच्चों रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में एक तो आपको पता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। बच्चों आपको पता है यहां पर एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है, एक एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है। हाफ लाइफ के बाद 50% एक्टिव रह जाता है और एवरेज लाइफ के बाद बच्चों 37% एक्टिव रह जाता है, और ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले पर है, आप इसके क्वेश्चन करें, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलने के चांस काफी ज्यादा हैं इससे, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सब आपको बच्चों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगले 5 टॉपिक अपने पास ये रहे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों आपको पता है कि जब हम एक कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ, तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस बैटरी को हटा के डायरेक्ट कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं तो ये डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में ही करंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करती है, लेकिन जब चार्जिंग होती है तो चार्ज इंक्रीज होता है और डिस्चार्जिंग में चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये बच्चों सिंपल सी 4 इक्वेशन है, ठीक है, 2 चार्जिंग के लिए, 2 डिस्चार्जिंग के लिए, ठीक है, पैटर्न दोनों का सेम है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इनके थ्योरी को पढ़ो पहले, है ना, 10 से 15 मिनट में थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद इसके क्वेश्चन कंप्लीट करो। इसके बाद बच्चों अपना टॉपिक है बीट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीट्स, कि जब भी आपको 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एक साथ सुनाई देती है, ठीक है, जब भी 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आपको एक साथ सुनाई देती हैं, क्या होता है कि वहां पर इंटेंसिटी, लाउडनेस, एनर्जी, एम्पलीट्यूड ये वेरी करता है,
है ना। और जब भी पीरियोडिकल चेंज होता है इंटेंसिटी में उसको हम बोलते हैं बीट्स, ठीक है। और बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1 - F2, ठीक है। तो बच्चों इसके बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, एम्स में आए हुए हैं, आप उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। अपना 8th नंबर पे टॉपिक है बच्चों डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपको पता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपने सिलेबस में है। डिफ्रैक्शन का बड़ा सिंपल मीनिंग है कि जब भी लाइट किसी ओपनिंग से पास होती है या फिर किसी ऑब्स्टिकल से पास होती है तो वो इस इन कॉर्नर्स पर क्या हो जाती है बच्चों, बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटर फर्स्ट मैक्सिमा या सेकंड मिनिमा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, या रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको डिफ्रैक्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपने पास है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सोर्स हैं, पहला चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, उसे हम बच्चों यहां पर बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, चाहे वो R/2 dB/dt है ना, इस तरह से जो भी फॉर्मूले हैं आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी देख लेना है कि डिस्टेंस के साथ कैसा होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन पोटेंशियल है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, है ना। ये छोटे छोटे चीजें आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल आप जानते हो एक बिल्कुल सिंपल सा इसमें फॉर्मूला पढ़ते हो, Q1/Q2 = T1/T2, ठीक है। और आप जानते हो कि कोई भी इंजन जो एक साइक्लिक प्रोसेस में हो, कोई भी ऐसा इंजन जो साइक्लिक प्रोसेस में हो, उसकी एफिशिएंसी कार्नो साइकिल से ज्यादा नहीं हो सकती, और इवन कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। तो कार्नो साइकिल की थ्योरी पढ़ना है आपको, हीट इंजन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बच्चों ये भी करना है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, हीट इंजन और कार्नो साइकिल, ये सब रिलेटेड है, इस पर आगे वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। और आपको भी अपनी तरफ से ये कंप्लीट करना है और इसके भी जितने क्वेश्चंस है सब करने हैं। तो बच्चों अगर ये 10 टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए तो बहुत ज्यादा चांस है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका एक बहुत अच्छे स्कोर तक हम और अपना इंक्रीज कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो फटाफट 2 से 3 दिन के अंदर इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।